नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। अब मतदान को कुछ घंटे ही बचे हैं और मतदान को लेकर क्या है जनता का मूड, उसका पता तो 3 तारीख को चलेगा, लेकिन आज हम कुछ घंटे पहले ही जानने निकले हैं कि मतदाताओं का मूड क्या है, जो मतदान होना है उसको लेकर। तो अब मतदान के कुछ घंटे ही बच गए हैं, क्या मूड है अब? देखिए, जनता जो है पहले मोदी गारंटी पे भरोसा कर रही थी, लेकिन कका ने जो है फिर नई घोषणाएं कर दी, 12,000 की जगह 15,000 कर दिया उन्होंने भी, जिसके बाद पब्लिक का मूड थोड़ा बदला है। पब्लिक का कहना है कि जहां बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा हम वहीं वोट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का भी इफेक्ट छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये माना जा सकता है कि 50-50 है। काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है यहाँ आके। मेहनत तो की है, केंद्र ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी ताकत का फायदा उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस चूँकि रूलिंग पार्टी है, इस कारण उसको उसका वर्चस्व कायम रहेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। कि वर्तमान का जो चुनाव है वो किस मूड की तरफ जाता दिख रहा है, लोग किस चीज़ को अपने से जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल परिवर्तन की लहर है, बिल्कुल बहुत मतलब घोटालों से भरी सरकार है। कहते हैं अगर मैं बोलूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, तो PSC घोटाला देख लो। अच्छा, चेयरमैन के बच्चे बनेंगे जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, PSC मतलब पूरी ज़िंदगी कट जाती है, आप PSC क्लियर नहीं कर पाते हो, वो है जाति विवाद है, मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे, घोटाला गोबर घोटाला देख लो। विधानसभा में सौरभ सिंह ने भी बोला था, जिसके घर में गाय नहीं उसके 19 लाख रुपये का पेमेंट, तो घोटालों से भरी सरकार है, परेशान है लोग, लहर ही लहर है, मतलब सरकार चेंज होगी होगी। अब वोट डालने का कुछ समय ही बचा है, तो वोट डालने से पहले दिमाग में कौन सी बातें चलती हैं और मूड कौन से मिजाज में आप फिर वोट डालने निकलते हैं? देखिए, पिछले बार भूपेश भर के ऊपर भरोसा करके ने जनता ने वोट दिया, जितने भी वादा किए सब वादा खिलाफ ही रहा, इसलिए जनता ने मूड बनाया इस बार कि बदल कर रहे वो सरकार को, तो इस बार बदलेंगे सरकार। युवाओं में बहुत जोश है, भाजपा फिर से आ रही है यहाँ पे। शहर की बात करें तो शहर का क्या मूड लगता है? देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया था कि लग रहा था कि हाँ कुछ काम हो सकता है, जैसा उनका वादा था उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ। अब रही बात 4 विधानसभा हमारे शहर में है, उस विधानसभा में एक बृजमोहन जी जो हैं वो अपने वादों पर अभी तक के खड़े उतरे। रही बात 3 विधानसभा की, 3 विधानसभा में आपसी उनके नेताओं के समन्वय नहीं बनने के कारण वो भी पिछड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे जो आज रायपुर विधानसभा है, 4 विधानसभा में फिर से BJP आने का चांस है। कल वोट डालने जा रहे हैं मान लीजिए आप, तो कौन कौन सी चीज़ें और क्या जहन में रहेगी और क्या सोचते हैं आप? युवा हैं, बस युवा के लिए मेहनत करना चाहिए कोई भी पार्टी आई, लेकिन हम तो कट्टर BJP हैं तो BJP में देंगे। अभी तो 50-50 चांस लग रहा है, लेकिन BJP की सरकार बन रही दिखती है। आपने बताया कट्टर है, फिर भी 50-50 कैसे हो गया? किस 50-50 कैसे लगता है? फ्री की रेबड़ी बांटना कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है, काम तो कुछ कर नहीं रही है, बस फ्री अपने लोगों को काम दो नगर निगम से, ना कुछ विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस पैसे घूस खाओ घूस लो, बहुत पूरा घूसखोरी चल रहा है और कुछ नहीं। शहर की बात करें तो शहर का मिजाज क्या कहता है? शहर का मिजाज अभी जो है, आज रात का जो गेम होगा उसी पे सब होगा निर्भर, क्योंकि आज रात में अब देखिए राजनीतिक पार्टियां आमतौर पे चुनाव आयोग को पता रहता है, सबको पता रहता है कि राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, और आज रात में वो जैसा मेहनत करेंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बनेगी। कल तो बड़ा हो हंगामा भी हुआ ये मुफ्त की रेवड़ी और बांटने वाटने को लेकर, कत्ल की रात बोला जाता है, कत्ल की रात ही मानी जाएगी, क्योंकि देखिए राजनीति में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। राजनेता वही है जो पब्लिक को ठगने के लिए आता है, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं होता। अगर जनता से सरोकार होता तो फिर वो वोटर पेंशन योजना क्यों नहीं लागू करता है, उसको मतदाता पेंशन योजना लागू करना चाहिए। मतदाताओं के लिए क्या है, 5 साल इनके शरण में मतदाता रहता है और 1 दिन ये मतदाता की शरण में रहते हैं। तो पहले तो इनको अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करना चाहिए कि हम एक्टिवा में चलेंगे। जैसे कुलदीप जुनेजा कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी एक आदत मुझे बहुत पसंद आती है कि वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनसे लोग आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, BJP के हों, जो भी कांग्रेस के हों, उनसे लोग कैसे मिले? इनके PA जो हैं वो आम पब्लिक को भगा देते हैं। अभी नेताजी बिजी हैं,
जब पब्लिक और नेताओं के बीच का जो गैप हो बढ़ गया है, बढ़ा है, अभी बढ़ा है, भले कुछ भी हो, पब्लिक का कहना है कि नेता हम तो लेंगे सबका, देंगे उसी को जिसको हमारा मन करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि पब्लिक का मूड अभी तक किसी को नहीं पता है कि पब्लिक बीजेपी की ओर है या कांग्रेस की ओर है या निर्दलीयों की ओर है या किसी अन्य पार्टी की ओर है। पब्लिक जो है अभी ठान के चल रही है कि वो जो भी करना है एंड टाइम में करेगी, एंड वक्त में देखेगी। मतदान से पहले अंदाजा लग जाता था मूड का, लेकिन अभी कुछ घंटे पहले की बात करें मूड का, तो किस तरह पर मूड दिख रहा है? अभी तो बीजेपी के ऊपर ही मूड दिख रहा है, क्योंकि जैसा भ्रष्टाचार अभी चल रहा है तो बीजेपी के ऊपर ही मूड दिख रहा है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है कांग्रेस के शासन में। और असल में जब शहर की बात करें तो शहर को लेकर क्या मूड बनता है जब शहर में आप रहते हैं? मैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, तो हमारे दक्षिण में तो अभी ब्रजमोहन जी का ही जलवा है। और कोई बता रहे हैं जो कुछ लोगों का जलवा है, मतदाताओं का क्या जलवा है कि नहीं है? जलवा मतदाता को तो कभी जलवा हो ही नहीं सकता है, दोनों पार्टियों के बीच में मतदाता को पीसना ही पड़ता है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। कांग्रेस के जो कट्टर रहेंगे वो कांग्रेस में तो देंगे ही, बीजेपी के जो रहेंगे बीजेपी को देंगे। वैसे अपने पश्चिम में तो ब्रजमोहन भैया फिर से आ रहे हैं, फूल मोहम्मद से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये युवा आप बताए स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंटों ने कौन सा सीनियरियो लिया होगा पूरे 5 साल में, और कौन सा सीनियरियो के बाद उनका मूड तय होगा? देखो सीधी सी बात है, सरकार कोई भी है, सीधी भर्तियों के मतलब जो वैकेंसीज हैं, मतलब ये बेरोजगारी है, जैसे काका ने बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया था लेकिन उस पर क्राइटेरिया ला दिया। अब देखो ये लक्ष्मी योजना चालू की है, पता नहीं बाद में कुछ क्राइटेरिया ला ले, ये भी मतलब उलट पलट वाली फेर वाली सरकार ना बन जाए। अगर हम अपने वादों पे कायम है तो सरकार उनका साथ देगी। स्टूडेंट्स तो बहुत घोटालों से बहुत परेशान है, पैसे घोटालों से बहुत परेशान थे, और बहुत सारी वैकेंसीज आनी चाहिए, सीधी सी बात है बस। तो ये मतदान से कुछ घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में हम शहर में निकले मतदाताओं का मूड जानने के लिए, तो आपने मतदाताओं का मूड खुद सुना, तो कुछ फ्री की रेवड़ी से परेशान है, तो कुछ जो घोटाले हैं उससे परेशान है। हालांकि कौन किस पे भारी पड़ेगा, मतदाताओं ने किस पर विश्वास जताया, इसका पता आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।